बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास बच्चों, कंप्यूटर हम पढ़ने लगे। कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर हमारा है 5वां, चैप्टर 5, लेक्चर नंबर 5। टॉपिक क्या है हमारा आज का? आइडेंटिफाइंग द टैग्स। टैग्स को हम देखना है, आइडेंटिफाई करना है। हम कंटिन्यू वही चैप्टर कर रहे हैं, 5वां, याद रखिएगा। 5वें चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाइंग द टैग्स इन HTML। अब HTML में हमें देखना है, किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? टैग्स इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज? टैग्स भी इस्तेमाल करते हैं HTML में। अब टैग्स कैसे होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट को क्या कहते हैं बच्चों? टैग्स ही तरफ पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब उसी को हम लोग देखते हैं कि किस तरह टैग्स वर्क करते हैं HTML में। अब ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, उसके बाद देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी है और किस तरह ये काम करते हैं। क्लोजिंग हो गया और ओपनिंग। अब आइडेंटिफाई करना है हमने किस चीज को? टैग्स को। किस में करना है? HTML में। HTML में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को पता भी है, एंगुलर ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं। आम लाइफ में हम लोग इस ब्रैकेट का इतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग आगे हो किसमें? प्रोग्रामिंग में। किसमें? प्रोग्रामिंग में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों ये जो टैग्स है, एंगुलर ब्रैकेट है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? टैग्स। इसका इस्तेमाल ही बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर किसी भी चीज़ को आप लोग प्रोग्रामिंग में डेवलप नहीं कर सकते। आप लोग कोड खेलें इस कोड के साथ, इस ब्रैकेट के साथ ही आप लोग आगे वर्क करोगे। ऐसा जिस तरह आप लोग सीखोगे कि वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, उसमें सारे कोडिंग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? टैग्स की होंगे। टैग्स ही किसी भी चीज़ को बनाएंगे। अब फर्स्ट क्या, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो टैग्स के साथ ही जाके लिखोगे। किस में लिखोगे? HTML में। अब देखिएगा टैग्स किस तरह होते हैं। इसकी टैग्स कितनी है हमारे पास? 2 टैग्स है। कितनी है? 2, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग। अब पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग देखिएगा, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स। अब जो सामने मैंने आप लोगों के ड्रा किया है, यहाँ पर देख लो आप लोग पहले पहले ये टैग्स, ये आप लोग मुझे जरा बताएंगे पेयर है या सिंगुलर है। इतना तो आप लोग को आइडिया भी होगा, इतना पढ़ चुके हो एक दो पेज आप लोग। अब ये सिंगुलर टैग है या पेयर टैग है? जी क्या होगा ये बच्चों? ये होगा सिंगुलर टैग्स। अब पेयर टैग्स कैसे होंगे? पेयर में क्लोजिंग टैग का होना लाजमी है। अब अगर मैं सेम इसी में एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? पेयर टैग्स का क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा? ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा। ये क्या होगा? क्लोजिंग। अब सेम उसी तरह ही अब जो सिंगुलर होगा, जो सिंगुलर होगा ये क्या होगा हमारे पास? सेम, इसका ओपनिंग भी यही है, इसका क्लोजिंग टैग भी यही है। नेक्स्ट आके देखते हैं हम लोग कि पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स, ये जो दो टैग्स हैं टैग्स की HTML में हम पढ़ने लगे। आप पेयर टैग्स है क्या, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप लोग? मोस्ट टैग्स, क्या कहा मैंने? मोस्ट टैग्स, ज्यादातर टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? पेयर ही होते हैं, जो HTML में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज? टैग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर टैग्स क्या होते हैं बच्चों? पेयर होते हैं, यानी कि दो होते हैं। इसका एक टैग उसका ओपनिंग होगा, दूसरा क्या होगा? क्लोजिंग होना लाजमी, उसको कहते हैं पेयर टैग। जिसका ओपनिंग भी हो टैग, उसका क्लोजिंग भी हो। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, कंसिस्ट और स्टार्ट टैग, क्या उसका स्टार्ट टैग का होना लाजमी है और उसका क्या है एंड टैग का होना भी लाजमी है। बच्चों देखिएगा आप इसमें स्टार्ट टैग कौन सा होगा हमारे पास? पेयर नाम वाले हैं पेयर टैग। अब स्टार्टिंग टैग ये हमारे क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग टैग। अब बीच में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। इट्स मीन आप लोग अपना नेम लिख लो, कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग HTML में। अब नेम लिख लो, उसके बाद इसको अगर आपने ब्राउजर में शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, इसमें पेयर टैग आप लोग कौन सा लगाओगे? ये क्या हो जाएगा इसका? पेयर टैग। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा ओपनिंग टैग, ये होगा क्या होगा? क्लोजिंग टैग। ये क्या होगा आपके पास? क्लोजिंग टैग। बीच में हमने एक स्लैश डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक टैग ये हो गया ओपनिंग, नेक्स्ट क्या हो गया? ये टैग हमारे पास क्या है? ओपनिंग टैग है ये टैग, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हमारे पास? क्लोजिंग टैग, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्लोजिंग टैग। अब बीच में आप लोग
कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग को नेम लिख के दिखाया। आप इसको जैसे आप लोग सेव करोगे और ओपन करने की कोशिश करोगे, ब्राउजर में जो शो करवाएगा, बीच में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वही शो करवाएगा आपको ब्राउजर में। अब एग्जाम्पल देखते हैं ये किस तरह वर्क करती है। अब पेयर टैग्स आप लोग पहले सुन लो, दोबारा दीजिए क्या होते हैं। ज्यादातर इस्तेमाल हम जो एचटीएमएल करते हैं वो पेयर ही होते हैं। अब पेयर कैसे होंगे, उसका स्टार्टिंग टैग होना लाजमी है और उसका एंडिंग यानी कि क्लोजिंग टैग होना भी लाजमी है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, टैग पी। अब टैग पी, अब टैग पी क्या करेगा, टू क्रिएट अ पैराग्राफ। इसमें क्या करना है, पैराग्राफ ही करना है। टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन एचटीएमएल इज अ पेयर टैग्स। ये किस चीज की एग्जाम्पल है, पेयर टैग्स की ही एग्जाम्पल है। किस चीज की, पेयर टैग्स की एग्जाम्पल है कि टैग पी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टैग पी को इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, इसमें क्या करना है, आगे इसमें क्या करना है, क्रिएट अ पैराग्राफ। क्या करवाना है इसमें, जब हम इस टैग इस्तेमाल करेंगे ये टैग इंस्ट्रक्शन देगा आगे के जो आप लोग लिखोगे आगे उसको किस शक्ल में शो कराएगा, पैराग्राफ की ही शक्ल में शो करवाएगा। ये आपके पास क्या था, आपके पास था पेयर टैग्स की एग्जांपल। अब इस्तेमाल किस तरह होगा, यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को सिंपल बता दिया, ये उसका ओपनिंग हो गया, ये हो गया उसका क्लोजिंग टैग। अब एग्जांपल में देखिएगा, टैग पी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टैग पी ये ओपनिंग ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पी लिख दिया। तो इसने क्या करवाना है बच्चों, पैराग्राफ ही शो करवाना है डिस्प्ले में। अब यहाँ पर क्या लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। इसने क्या लिखा, आई स्टडी इन नाइन्थ क्लास। इसने क्या लिखा, आई स्टडी इन नाइन्थ क्लास, आगे फुल स्टॉप लगा के उसने एंगुलर ब्रैकेट, इट्स मीन क्लोजिंग टैग इंडेंट टैग का इस्तेमाल किया। कौन सा इस्तेमाल किया, इंडेंट टैग। ये क्या हो गया क्लोजिंग, ये क्या हो गया आपके पास ओपनिंग टैग। अब वी पी यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पर हम स्लैश लगा दी तो ये क्या हो रहा है, एंड। अब यहाँ पर हम लोग जो भी लिखेंगे उसको इससे शो के सूरत में करवाना है, पैराग्राफ में करवाना है। ये थी एंड पेयर्ड टैग्स की एग्जांपल थी कि किस तरह पेयर टैग्स वर्क करते हैं एचटीएमएल में। ये आप लोग को समझ आ गया होगा पेयर टैग्स किस तरह वर्क करते हैं और क्या होते हैं। हमेशा पेयर की ही सूरत में होते हैं, दो होते हैं, ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स, सिंगुलर टैग्स किस तरह वर्क करते हैं देखिएगा। टैग्स डोंट है, ये इनमें नहीं होता, क्या नहीं होता देखिएगा, क्लोजिंग टैग। इसमें सिर्फ वही टैग ओपनिंग का काम भी करेगा और क्लोजिंग का भी काम करेगा। किस तरह करेगा, एग्जांपल में आके आपको क्लियर होंगे। टैग्स दैट डोंट है क्लोजिंग टैग, जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको क्या कहते हैं बच्चों, सिंगुलर टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर टैग्स कहते हैं। अब टैग्स और एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं उसको, के ये टैग्स खाली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लोजिंग इसमें नहीं है, या सिर्फ ओपनिंग है। एक्चुअली वही टैग क्लोजिंग का भी काम कर रहा है और ओपनिंग का भी काम कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, सिंगुलर टैग्स। अब एग्जाम्पल में आके देखिए सिंगुलर टैग्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बी आर, बी आर को मैंने किस में रख दिया, यहाँ पर ही रख दिया। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, बी आर क्या लिखा मैंने, बी आर। बी आर का मतलब है इसमें कर रहा है क्या, इस टाइप का। यहाँ पर भी आप लोग किसी जगह भी इस्तेमाल करोगे एचटीएमएल में, याद रखिएगा, इसने लाइन को क्या करवा देना है, ब्रेक करवा देना है, इसने लाइन को क्या करना है, ब्रेक। अब बी आर के लिए क्लोजिंग टैग जो अगर लिखना जरूरी होता तो हम लोग क्या लिखते बच्चों, ये लिखते। हालांकि इसने सिंगुलर टैग, ये क्या है, सिंगुलर टैग है, इसने ओपनिंग का काम भी कर रहा है और क्लोजिंग का भी काम कर रहा है, लिहाजा यार हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग टैग को रहने देंगे, नहीं लिखेंगे और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। अब सेम उसी तरह एच आर का टैग आप लोग इस्तेमाल करोगे। एच आर क्या है, ये भी सिंगुलर टैग्स है, ये क्या है, सिंगुलर टैग्स है। अब इसने क्या करना है, इसने तो क्या करना थी लाइन को ब्रेक, अब इसने क्या करना है, इंसर्ट, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इसने ड्रा करनी है एच आर ने, इस टैग में क्या करवानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। अब किस तरह वर्क करेगा, सेम इसी तरह मैं आप लोगों को पेयर टैग्स की एग्जांपल दोबारा दोहरा देता हूँ सिंगुलर टैग्स के लिए। अब देखिएगा
ये किस तरह जो आपके पास बी आर टैग है या एच आर टैग है किस तरह ये इस एग्जांपल में वर्क करेगा। अब फर्ज किया यहां पर देखिएगा बच्चों आप लोग, इसके साथ अगर मैं एक और टैग लगा देता हूं बी आर का, क्या बी आर का, तो इसने अपना काम करना है। यहां पे लगाऊं तो ये लाइन यहां से ब्रेक करेगा। अगर मैं यहां पर लगा दूं बी आर का, किसका बी आर का, तो जो लाइन होगी पैराग्राफ में नजर आ रही होगी आई स्टडी इन, इन तक लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इट्स मीन जो नाइन्थ क्लास लिखा हुआ है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, नाइन्थ क्लास यहां से लिखा हुआ शो होगा, नहीं तो इसमें क्या करना है ब्रेक। अगर मैं एच आर का टैग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ स्टार्ट में, क्या करता हूँ एच आर का टैग स्टार्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो इसने हर जंक्शन पर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली है। इस तरह की करेगी कहाँ, जहाँ पर ये टैग आप लोग इस्तेमाल करोगे। अब मैंने आप यहाँ पे इस्तेमाल किया तो इसने यहाँ से लेके हर जंक्शन पर लाइन यहाँ तक ड्रा करेगा जब तक वो यानी कि टैग इस्तेमाल हुआ होगा, ब्रेक नहीं होगा, एंड क्लोजिंग उसकी नहीं होगी उस पैराग्राफ की, इसने उतने तक उसको लाइन लगा देनी है। इसको आप लोग अंडरलाइन कह सकते हो या हर लिखे हुए के पैराग्राफ को लिखी हुई लाइन को क्या कहते हैं, अंडरलाइन। इट्स मीन एच आर ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है उसी एचटीएमएल में। तो आज का हमारा ये टॉपिक था आइडेंटिफाइंग टैग्स, ये हमने देखा जी इसने किस तरह काम किया, आइडेंटिफाइंग टैग्स एचटीएमएल में, पेयर टैग देखिए, सिंगुलर टैग देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन दोहरा दूँ कि आगे रिपीट करवा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ जाए। अल्लाह हाफिज़।